तो मैडम की शॉपिंग चालू हो गई है अब, एक जगह से निकल चुके हैं, सारे मंदिर कर लिए, नीचे एक और छोटा मंदिर है शायद वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे देखते हैं, आगे चल रहे हैं बस। शी इज़ बिजी इन शॉपिंग। चालू भाई, टिपिकल हिल स्टेशन फूड या फ्रूट्स कह लो, स्ट्रॉबेरी बेहद ये बोल के थी जे अच्छा आंवला का पेज मारा तेरे क्या लेना होता तू बोलते है इसमें रखी और हिंदी में तू बोलते और हिंदी में तू बोलते तू मलबरी इंग्लिश में मलबरी बोलते और ये ब्लूबेरी आने वाले लोग मलबरी बोलते नहीं ये रसबेरी है ना पांच बेरी है अपने को यही वाला दे दो, इसमें स्ट्रॉबेरी भी है मलबेरी भी है सब है इसमें, ज्यादा नमक मत डालो ना वो गिरेगा। ये है लाल मूली, नॉर्थ में इसको बोलते हैं शलगम, वो देखो बोरी क्या सीताफल लग रहे हैं नहीं ये रास्पबेरी है ये। तो भाई 3:30 यहीं बज गए, अगर ओल्ड महाबलेश्वर आओगे लगभग पकड़ के चलो एक दिन या आधा दिन तो मिनिमम आपको चाहिए। 3-4 मंदिर हैं, अब इधर 10 पॉइंट्स भी हैं, शायद मैं कोई एक आध पॉइंट करूं, नहीं तो सीधा निकलेंगे बॉम्बे, ऑन द वे मेप्रो रुकेंगे, बस होपफुली मेप्रो रुकेंगे, देखते हैं क्या है देखते हैं। जलपा भी लगी है शॉपिंग करने में, अपन भी थोड़ा टाइम पास करते हैं। ओल्ड महाबलेश्वर कुछ ऐसा दिखता है भाई, ये महाबलेश्वर मार्केट से अराउंड 6 किलोमीटर पड़ता है। हम इधर भी आओगे तो आप एक दिन पूरा मान के चलो देना पड़ेगा, उधर पार्किंग है और यहाँ सीधे से अगर आप राइट लेते हो, अगर आपने राइट लिया तो आप पहुँच जाओगे मंदिर की तरफ। नीचे ऐसा मार्केट जैसा बना हुआ है जैसे महाबलेश्वर मेन मार्केट है वैसा ही, और इधर से करीब 10 पॉइंट हैं आजू बाजू में, दिखते जलपा का तो कोई मूड नहीं है जाने का वहाँ पे, मारा होता है कि नहीं होता है। जैसा मैंने बोला था इट्स टाइम टू हेड बैक टू मुंबई, कोई पॉइंट्स नहीं जा रहे हैं, अब मौसम अच्छा हो रखा है तो अब सीधा निकलेंगे मुंबई के लिए, मे बी मेप्रो पर रुके 5-10 मिनट। पब्लिक ज़्यादा ही भीड़ हो रखी है मेप्रो पे, इधर भी मिल रहे हैं तो मेप्रो गार्डन नहीं रुक रहे हैं, अब सीधा निकल रहे हैं पंचगनी पहुंचने वाले हैं। बस मौसम काफी अच्छा हो रहा है, वैसे बादल आ रखे हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, 5 बजे अंधेरा लग रहा है समझ लो। ये देखो पब्लिक, बहुत बारिश हो रही है, और अगर आपको भी मेप्रो गार्डन में बहुत भीड़ मिले और मेप्रो से कुछ सामान भी लेना है और टाइम भी वेस्ट नहीं करना है तो यू शुड गो थ्रू मेप्रो ड्राइव थ्रू, तो मेप्रो फूड पर ये नया खुला है, ड्राइव थ्रू पे चलते हैं। तो नाव महाबलेश्वर और भाई दो जगह फूड पार्क है मेप्रो के, ये रहा ये लिखा हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन है, ड्राइव इन काउंटर एंड सेल्स काउंटर, थोड़ा सा आगे जाके हैं वहीं चलते हैं तो सही सामान खरीदना हो, ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द वे चीज़ें ली कार में बैठे बैठे खरीदो और निकलो। ड्राइव इन काउंटर कहाँ है ये आ गया, ये मेट्रो का ड्राइव इन काउंटर,
उसको परचेज करो और रवाना। Here we go। ये आराम है मेकरों का, जैसे मैकडॉनल्ड्स में बर्गर ऑर्डर करते हो ड्राइव थ्रू पे, वैसे यहाँ से कुछ भी सामान ले और रवाना, कोई लोड नहीं है। भैया वो बड़ा वाला बॉक्स कितने का है? 5 किलो का। नहीं 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 रहने दो भैया, तो सब बेचने के लिए तैयार है लेकिन अपने को इतना नहीं चाहिए। सो महाबलेश्वर आओ, कोलेरो जरूर लेकर के जाओ, अगर मेहरू गार्डन जाने का टाइम नहीं तो ड्राइव थ्रू जैसा हमने किया। चले इधर एटीएम भी है और ये देखो यहीं से हमने एग्जिट लिया और मेन रोड पे आ गए। 5 मिनट्स में आपकी परचेजिंग हो गई। तो पब्लिक फाइनली अपना ये राइड एंड होता है, 11:20 और हम पहुंच गए मीरा रोड। अब हो रहा है खाने पीने का बंदोबस्त, उसके बाद जाके सोएंगे। फॉर नाउ दैट्स इट एंड वी लैंड आवर व्लॉग हियर। जलपा गई भी है अभी कुछ सामान लेने के लिए और हम लोग रुके हुए मीरा रोड मार्केट के अंदर। सो भाई लोगों अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टू रोड ट्रिप्स विद GM राइडर। यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।